कि आज हम लोगों की अलकजार को पूरा एक साल हो गया है। आज के दिन हम लोग के घर वाले लोग कितना खुश थे। सब लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे ट्रेंड चल रहा है, ऐसे हाथ घुमा के ना बटा हुआ तीन है सो हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि जीशान को बहुत मार पड़ी थी। यस, क्योंकि पूरा दिन जीशान खेल रहा था एग्जाम देकर आने के बाद में, और एकदम रात में पढ़ने के लिए बैठा तो उसको सब लोग ढूंढ भी रहे थे तो मिल भी नहीं रहा था, इस वजह से ज्यादा मार पड़ी थी उसको। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोगों ने काफी टाइम हो गया, नाश्ता वाश्ता कर लिए थे। और गाइज, आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियोस पे बहुत कम कमेंट कर रहे हो, तो अच्छे से कमेंट करो। फिर भी कमेंट में पता नहीं क्यों मुझे सब लोग बोलते हैं कि आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, जबकि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, बट पता नहीं क्यों फिर भी बोलते हैं। अगर किसी का मतलब रिप्लाई देने जैसा नहीं होता है फिर भी मुझे उनकी बात पसंद आ जाती तो मैं लाइक कर देती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि सबको रिप्लाई दो, बट जिसकी बात होती है मतलब रिप्लाई देने वाली तो मैं उसको रिप्लाई दे देती हूँ। तो ऐसा सब लोग मेरे पे झूठा इल्जाम मत लगाओ कि मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं देती, किसी की भी कमेंट का, सबका मैं रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग भर भर के कमेंट करो, मुझे कमेंट पढ़ने मजा आता है। अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा सा चल के बैठते हैं। नानी बोल रही तुम दोनों मेरे से गुस्सा रहते हो, ऐसा पूछ रही है। कहाँ गुस्सा रहा तुम? अरे ऋषि अपराला ऋषि अंदर तू ऋषि अपराला कहाँ है? हाँ कहाँ जरी तो है, पूरा दिन अगर घुमा के लेके आए ना को काती ऋषि अंदर। A few moments later. So, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी हम लोग चल रहे हैं चौराहे पे। एक्चुअली मैंने आज से 4-5 दिन पहले अपने मतलब नए कान में इधर सुराख करवाया था, तो वो मतलब अच्छे से प्रॉपर हुआ नहीं है। मेरे को 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा वो तकलीफ दे रहा था, तो मैंने रात में उसको कट करके निकाल दिया था। तो अभी मतलब वो सुराख बंद ना हो जाए तो इसके लिए हम लोग चल रहे हैं चौराहे पे, कुछ अच्छा सा इसके अंदर मतलब पहन कर आते हैं तो शायद ठीक हो जाए, नहीं तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा। मैं आज काफ़ी दिन से दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ इसमें, तो मतलब अच्छा कुछ पहन लेंगे इसके अंदर तो ज़्यादा मतलब ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। अरे 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 अरे, काफ़ी ज़्यादा ताकत आ गई मैक्स में। हाँ हाँ, अरे बंद करो बंद करो। अभी मैक्स को भी इधर बाहर जाना है, इसके लिए वो दरवाज़ा खोल रहा है। और अभी चौराहे पे मैं, भाभी और फैसल हम लोगों को अभी लेकर चलने वाला है, तो अभी भाभी बुर्का पहन के आ रहे हैं, मैं उनका ही वेट कर रही हूँ। चलो मारे लिए रुकी हुई, चल रहा हूँ ना लेके, ऐसे बेकार हो यार। चलो तो कल 50 रुपए की ज्यादा मुश्किल ना, तो बताई और यहाँ चौराहे पे आकर हम लोगों ने सोचा कि बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे नई चूड़ी पहनने का, तो हम दोनों ने नई नई चूड़ी पहन ली। मैंने रेड कलर की, भाभी ने ग्रीन कलर की। गोल A few moments later. So, हम लोग जिस काम से चौराहे पे गए थे वो यही काम था कि मुझे इसको वापस कान टुचाना था। ये देखो आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि थोड़ा सा जख्म हो गया है। यस, ये मैंने घर पे से अपने आप से थोड़ा सा जख्म कर लिया और फिर थोड़ा जाके वहाँ पे और भी ज्यादा मतलब इसमें जख्म हो गया, तो मुझे कान में बहुत दर्द है, तो पता नहीं अब ये कब ठीक होगा। वैसे ही मैं 4-5 दिन से परेशान हूँ और अभी
ये वापस हो गया। अब और 4-5 दिन मुझे झेलना पड़ेगा। लेट गई थी और हम लोग आज वहाँ पे गए थे तो 2-3 काम जो भी था वो निपटा लिया। और मैंने आज कांच की मतलब बैंगल्स भी पहन के आया जो कि बहुत अच्छी लग रही है और मैंने वहाँ पे भी दिखाया है। फिर भी मैं सोची एक बार फिर से दिखा देती हूँ। और मैंने रेड और गोल्डन लिया और भाभी ने ग्रीन और गोल्डन पहना, मैचिंग नहीं पहने हम लोग ने, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट की, तो अच्छा लग रहा है उनका भी और मेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। गाइज मुझे चूड़ियाँ ना बहुत पसंद है बट मैं वहाँ पे जब शॉप पे जाती हूँ ना तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मतलब कैसे मैचिंग करवाऊँ। या अगर ड्रेस के कलर का होता ना तो वो इजीली मतलब मैच हो जाता है, बट अगर ऐसे कुछ भी नॉर्मल डेली के लिए अगर पहनना हो ना तो मुझे वहाँ पे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या मैचिंग करूँ, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ। इससे पहले भी मैं जाके आ चुकी हूँ वहाँ पे बट मुझे समझ में नहीं आया था और उनके पास भी मतलब साइज वगैरह थे नहीं, तो इसके लिए मैं रिटर्न आ गई थी। तो इस बार मैं भाभी के साथ गई तो उन्होंने भी मतलब थोड़ा सा चॉइस करा ली है, मैंने मुझे भी मतलब इजीली हो गया थोड़ा सा, इस बार मैं पहन कर आ गई हूँ। और गाइस यहाँ पे एनबी व्लॉग्स बहुत पैसे वाले हो गए, सुन रही हूँ सोने की चेन वेन पहन ली, मस्त लग रही है। अमेज़न से मंगवाया बस कितने कितने की? 5 लाख 5 पेटी 5 पेटी दिए हो अमीर लोग। और आज यहाँ पे खाना बन चुका है, बस अभी लास्ट ये चावल रह चुका है, यहाँ भाजी भी रेडी है और यहाँ दाल रेडी है, चावल यहाँ पे और भी रखा हुआ है क्योंकि दोपहर में खाना बाहर से आया था और बस अभी लास्ट ये चावल रह गया, जिसको बना के चलते रूम में। सो अभी मैं खाना बना के आ चुकी हूँ रूम में। यस आके मैंने फटाफट चेंज वेंज किया, एकदम फ्रेश हो गई। और मैं जब रूम में आई तो तुमने कुछ ध्यान नहीं दिए, मैंने नई नई बैंगल्स पहन के आई, बताया नहीं कैसा लगा। अच्छा अच्छा है, बस उस दिन हम लोग गए थे तो पसंद नहीं आया था कुछ, उनके पास साइज भी नहीं था। दूसरे क्या लिए हो? नहीं उन्हीं के यहाँ से, अरे बहुत टाइम लगा दिए थे ढूंढने में, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, मैंने पहली बार ऐसा पहनी। तुम चल के आते हो पता चल रहा है, चुड़ैल हूँ ना मैं इसके लिए। इंस्टाग्राम पे ऐसे ट्रेंड चल रहा है, ऐसे हाथ घुमा के ऐसे आते और ऐसे मार देते ऐसे मार देते, लेकिन वो मैं बनाऊंगी तुम्हारे साथ, ठीक है। और साथ में मैं एक चीज और बता दूं कि आज हम लोगों की अलकजार को पूरा 1 साल हो गया है। आज के दिन हम लोग के घर वाले लोग कितना खुश थे, सब लोग पूरी फैमिली, सोच लो लखनऊ गई थी पूरी फैमिली। हम लोग दोपहर में याद कर रहे थे कि इतने टाइम हम लोग शोरूम में थे, कार की डिलीवरी होने वाली थी, बहुत मजा आया था और हम लोग सब लोग ने बाहर खाना वाना भी सब खा के आए थे, बहुत अच्छा लगा था। तो गाड़ी को 1 साल हो गया पता ही नहीं चला, ऐसे हम लोगों की शादी को भी 1 साल हो गया था तो पता ही नहीं चला था, मतलब दिन बहुत जल्दी जल्दी बीत रहे, साल जो है महीने के बराबर हो गए बिल्कुल और महीना हफ्ते के बराबर। और एक चीज बता दूं गाइज मैं कि कल मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी कि मतलब आज कुछ गपशप हो जाए, तो उसपे बहुत सारे लोगों ने मतलब क्वेश्चन किए हैं, कमेंट्स किए हैं बहुत सारे लोग ने, तो मैंने कुछ लोगों के आंसर किए हैं और कुछ लोगों के नहीं किए थे, तो मैं उनका आंसर बहुत जल्दी अपने व्लॉग में मतलब Q&A वीडियो में अपना लेकर आने वाली हूँ, तो मैं उसमें उन लोगों के आंसर देने वाली हूँ, यस विथ उनके नाम के साथ। तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी ये बोलकर भी मैंने स्टोरी डाला था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए हैं जाइए उधर जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और लिंक यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, तो बस यही कहूँगी कि जाके उधर फॉलो कीजिए, वहाँ पे नए नए अपडेट्स मैं देती रहती हूँ। यस सो बस यही बोलना चाहूंगी कि जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे डेली व्लॉग्स आए, यस इंशाल्लाह ये कोशिश बरकरार रहेगी, सो आप लोग भी सपोर्ट दिखाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।